अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आइए आज की खबर का बकायदा आगाज करते हैं। सुबह 10 बजे चार मुलजमान ने लड़की को पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया। मुलजमान ने लड़की को अपनी कार में मुसलसल 5 घंटे हवस का निशाना बनाया तो मौके पर इसका वालिद भी आ गया, जिसने कार का शीशा तोड़कर अपनी बेटी की जान बचाई। पुलिस की तहकीकात से पता चला कि लड़की गंदी फिल्मों में काम करती है। लड़की से पूछने ये साबित हुआ कि वो घर वालों से छुपकर गंदी फिल्मों में काम करती है। उर्दू टैलेंट की रिपोर्ट के मुताबिक जिया के नाम से गंदी फिल्मों में काम करने वाली इस अदाकारा ने गुज़श्ता रोज़ एक निजी चैनल के प्रोग्राम में शिरकत की और बताया कि इसे गंदी फिल्मों में काम करने के 4 लाख फी घंटा मिलते हैं। मैंने गुज़श्ता रोज़ एक फिल्म के लिए 3 घंटे काम किया जिसके मुझे 12 लाख मिले। गंदी फिल्मों में आने के मुतल्लिक जिया का कहना था, मेरे इस शोबे में आने की वजह स्कूल में जसनीयत की तालीम ना होना है। हमें स्कूल जनसियत और गंदी फिल्मों के मुतल्लिक आगाही नहीं दी जाती, जिसकी वजह से मैं गंदी फिल्में देखने लगी और कम उम्री में ही गंदी फिल्मों की अदाकार बनने के ख्वाब देखने लगी। मैं इस वक्त 10वीं क्लास में थी जब मेरे अंदर इस इंडस्ट्री का स्टार बनने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं गंदी फिल्मों के अदाकारों को अपना आइडियल समझती थी। दूसरी जानब लड़की के वालिद ने 4 लोगों के सामने हथियार डालने से इनकार कर दिया और इस वक्त तक इनके साथ लड़ता रहा जब तक पुलिस नहीं आ गई। मुलजमान और लड़की के वालिद की माबेन लड़ाई हुई जिसमें मुतासरा लड़की का बाप लहूलुहान हो गया। इस दौरान इसने 2 मुलजमान को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया जबकि दीगर 2 मुलजमान मौका से फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा लड़की और इसके बाप के बयानात की रोशनी में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार मुलजमान को जेल मुंतकिल कर दिया जबकि 2 मुलजमान की तलाश जारी है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।